हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम जो है करने वाले चेंज टोयोटा इनोवा के आगे के ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क, सो उसकी जो है प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ब्रेक से कोई भी रिलेटेड आप काम कर रहे हो तब आपको जो है ब्रेक की जो है गैप ओपन करके रख देनी है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी जो है अपन ब्रेक कैलिपर जब भी पिस्टन अपन प्रेस करते हैं तो उस टाइम जो है ब्रेक ऑयल जो है ऊपर आता है, सो उसकी वजह से क्या प्रेशर क्रिएट होगा तो मास्टर सिलेंडर आपका जो है ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है इसकी क्रैप जो है खोल के रख देनी है, सो जो ब्रेक ऑयल होगा वो नीचे गिर जाएगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिस्क पे फुल लाइनिंग आ चुकी है, कंडीशन फुल वीक है और जो है रस्ट भी लगे हुए हैं, इसकी वजह से वाइब्रेशन आ रहा है। ओके, और जो इसकी मैक्सिमम थिकनेस होती है वो है 28 mm और जो मिनिमम रहती है 26, सो इसकी जो थिकनेस हमने मेज़र की है वो 25.16। इट मीन्स इसकी जो थिकनेस की लिमिट होती है वो ख़त्म हो चुकी है, सो इसके लिए अभी इसको जो हम रिप्लेस कर रहे हैं। और मैं एक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब भी आप कहीं पे भी कुछ भी रिप्लेस कराए तो वो पार्ट जो है जेन्युइन होने चाहिए। अगर वो पार्ट जेन्युइन नहीं होते तो जो आपकी जो ओरिजिनल जो चीज़ जो जेन्युइन चीज़ होती है वो उसको ख़राब कर देता है। जैसे कि ये अभी मैं आपको खोल के बताऊँगा कि इस डिस्क की कंडीशन, ऐसी कंडीशन होने का रीज़न क्या है, तो आपको पता चलेगा नहीं यार जो है वो जेन्युइन ही यूज़ करनी चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है टायर रिमूव कर चुका हूँ। अब सेकेंड जो है एक कैलिपर आता है, कैलिपर असेंबली, इसमें दो 12 mm के बोल्ट लगे रहेंगे, उसको रिमूव करेंगे। तो जो कैलिपर अभी इसको जो है हमने रिमूव कर दिया। अब देखिए अभी हम ब्रेक पैड को रिमूव करेंगे, इसको हमने रिमूव कर दिया। ये बॉस के हैं और जो है टोयोटा प्रेफर नहीं करते बॉस के, उनका टोयोटा का ही आता है। तो इसका जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल की वजह से जो है ये डिस्क की कंडीशन ऐसे हो जाती है, तो लाइनिंग वगैरह सब ज़्यादा आ जाती है। इसके बाद जो है ये कैलिपर ब्रैकेट दिख रहा है, उसके 17 mm के दो बोल्ट रहेंगे, वो रिमूव करेंगे। सो कैलिपर हो गया है रिमूव। अब जो हम डिस्क बाहर निकाल लेंगे, इसलिए आपको चाहिए रहेगा एक 12 mm का रोल और एक बॉक्स 12 mm इस तरह से सीधा कर दो। ओल्ड डिस्क और ये है न्यू डिस्क, देख सकते हो। सो इसको जो है अभी हम इंस्टॉल करेंगे। तो डिस्क को जो है इंस्टॉल कर दिया है, अभी जो है हम कैलिपर का ब्रैकेट लगाएंगे वाला। टॉक अप्लाई करने के बाद जो अभी हम ब्रेक पैड इसका जो इंस्टॉल करेंगे, देख सकते हो ये है ओल्ड वन, ये है न्यू वन, मटेरियल भी देख सकते हो। ओके, तो इसके सर्किट्स भी लगा देंगे। ये वाला पोर्शन हमेशा अंदर के साइड में डाउन साइड रहेगा। अभी जो है इंस्टॉल हो चुके हैं ब्रेक पैड। ओके, अब जो है कैलिपर असेंबली है, इसमें पिस्टन आता है ये वाला, तो इसको जो है प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है इस पर फिट होगा बैठेगा। तो इसके लिए आप लाएंगे पिस्टन कूलर। तो ये पिस्टन कूलर है। ओके, इसको अभी हम इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, पिस्टन को जो है प्रेस करेंगे। तो पिस्टन जो है दब गया, अब जो है इसको हम इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, सो अब 12 mm के जो दो बोल्ट है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क जो है रिप्लेस हो चुकी है। सो
सो ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क जो हमने रिप्लेस कर दी है, अब उसके आगे का प्रोसेस क्या है? बहुत लोग क्या होता है, बस ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क रिप्लेस किए और डायरेक्ट चल दिए गाड़ी ट्रायल लेके, मतलब चल दिए ओके, तो उसके बाद की एक प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका जब मतलब ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क रिप्लेस हो जाए तो उसके बाद जो है इग्निशन ऑन करना है, बाद में पेडल करना है 2-3 बार, और पेडल होने के बाद देखना फ्लूइड लेवल कहीं कम तो नहीं हो रहा, अगर कम हो रहा है तो टॉप अप कर देना है। उसके बाद जो है आपको ब्रेक ऑयल की जो है कैप इंस्टॉल कर देनी है। तो यही था फ्रेंड्स वीडियोस में, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो पे, तब तक के लिए एक तड़ा।